वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? भी हम अपने बेटी के साथ इंजॉय कर रही थी मैं। ठीक है कि मुझे जो है वो यूट्यूब की रिकमेंडेशन में जो है बहुत ज़्यादा एक केक आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो केक जो है मैं भी बनाऊँ। तो इसलिए मेरे बेटे जो हैं इंजॉय कर रहे हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ कि हमारा क्वारंटाइन जो है इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम जो है केक बनाएंगे, किचन में चलते हैं और वहाँ पे हम फिर जो है वो केक बनाएंगे। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशन में आ रहा था और मैंने नताशा वकास का भी व्लॉग देख रही थी, वहाँ पर भी मैंने जो है वो केक देखा था जो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ आया था। तो मैंने कहा कि मेरे चीज़ें वगैरह मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने कहा चलें अभी मैं केक बनाते हैं। और साथ बेटा भी बहुत फरमाइश कर रहा था कि केक खाना है मैंने, तो हमने कहा कि हम केक बनाएं। इसलिए बच्चों को साथ जो है वो ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहें ताकि वो भी थोड़ा बिजी रहें और थोड़ी सी उनकी जो हाइपर एक्टिवनेस है वो थोड़ी सी कम हो। तो अभी हम चलते हैं किचन की तरफ और फिर हम वहाँ जाकर जो है वो केक बनाते हैं। अब हम किचन की तरफ आ गए। ठीक है, और मेरे पास जो बच्चों के टिक्की बैग्स हैं ना, मेरे पास एक्चुअली वो पड़े हुए थे तो वो मैंने ले लिए हैं। टोटल मिला के जो है ना मैंने 34 बिस्किट्स लूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो दूसरे वाले नहीं थे, बड़े वाले जो पैक्स हैं, तो मेरे पास बच्चों के यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा बच्चों के स्टॉक से ही कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसमें जो है वो डालेंगे। ठीक है, अरेज डालें इसके अंदर, सारे बिस्किट्स के अंदर डाल दें आप। ठीक है, टोटल मेरे पास ये मिलाकर मैंने अभी काउंट किए हैं तो मेरे पास टोटल जो है ये 34 आई गेस बन रहे हैं। दो बच्चों ने खा लिए, 36 लिए थे इसमें मैंने, लेकिन दो मेरे बच्चों ने ना एक एक करके खा लिया है। ठीक है, तो 34 मैं ले रही हूँ। आगे जल्दी जल्दी जा रही ना, ये हमने जी सारे पैकेट से जो है वो पीछे निकाल लिए हैं। ठीक है, अरे इसने बड़ी हेल्प किया मेरी, जल्दी करें ना। लो आरिस जल्दी करें, निकल गया। वाह वेरी गुड, चलो अब इसको आपने ना ऐसे के तोड़े, चलिए हाँ तोड़े, जल्दी करें, चलिए सबको तोड़े। ठीक है, हाँ ऐसे ये मैंने मिक्स लिए हैं, ये मेरे पास से कुछ चॉकलेटो थे और कुछ चॉकलेटो नहीं, चॉकलेटो क्या कहते हैं, चॉकलेटो ठीक है, चॉकलेटो भी कह सकते हैं, चॉकलेटो। अच्छा जी, चॉकलेटो ठीक है जी, दोनों कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, पंजाबी में चॉकलेटो। अच्छा जी, पंजाबी हमें नहीं आती। ठीक है, तो इसको आपने ना ऐसे करके ना तोड़ लेना है। ठीक है, ताकि हम जब ग्राइंड करें, ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो फिर जो है इसका अच्छा सा जो है एक मिक्सचर जो है वो हमारे पास बन जाए। ठीक है, तो ये हम तोड़े, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन में आ रहा था, बार बार मैं कह रही थी, सोच रही थी बनाऊँ 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 बनाऊँ, फिर मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज अरीज ने कहा कि नहीं मामा, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि हम ना वो खाएं, केक खाएं। ओके, तो इसलिए जो है मैंने कहा कि चलिए आज हम इसी को जो है वो ट्राई कर लेते हैं। जी हाँ, मामा सही कह रही है। अच्छा चलिए, अब हमारी ये देखिए बिस्किट ये सारे टूट गए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसे ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और इसको फिर जो है वो हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ठीक है, अरिस नाउ यू हैव टू पुट ऑल दिस इन द ग्राइंडर। ओके, हाउ टू पिक इट अप। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। ठीक है, उसे अब हम ग्राइंडर में डाल दिए, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, इतना ग्राइंड करेंगे उसका जो एक फाइन सा पाउडर है ना वो हमारे पास आ जाए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है हम उसके बात करेंगे। जितना फाइन पाउडर आएगा उतना केक हमारा बहुत अच्छा। बटन ऑन कर दे बेटी। ओके, मैं करता हूँ। जो है ग्राइंडर में डाल के मैंने चूरा कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जो रह के वो मैं इसके अंदर दूध डालूंगी तो उससे जो है वो बहुत अच्छा जो है इसका मिक्सचर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आपने दूध इसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता डाल लें, क्योंकि इससे जो है आपका मिक्सचर पतला नहीं हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले डालें और इसको मैं ग्राइंड करूँगी, थोड़ा डाल के जो है वो मैंने मिक्स कर लिया, दोबारा मज़ीद जो है मैं इसको ग्राइंड करूँगी। जो
जो है वो और दूध डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा क्योंकि इससे जो है वो मिक्सर आपका पतला ना हो, इसलिए जो है आप पहले थोड़ा सा दूध डालिएगा, मिक्स कीजिएगा, उसके बाद फिर दोबारा दूध डालिएगा, उसके बाद फिर मिक्स कीजिएगा, ठीक है। इसे अब मैं मिक्स करती हूँ, क्योंकि मिक्सर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी और फिर इसे जो है वो दोबारा से ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे तैयार हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। लेकिन बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा दोनों डालने से पहले जो है आपने क्या करना है कि आप अपने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। सोडा डालकर बाद में आप ये पैन को ग्रीस करने वाला काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि मिक्सचर जो है आपका ख़राब हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि पहले पैन को ऑयल लगा लें, उसके अंदर बटर पेपर रख लें, उसके बाद आप अपना जो है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालें, ठीक है। उसके बाद अपने मिक्सचर को जो है वो सांची के अंदर डालें। तो अब मैं जो है अपने सांचे को जो है ग्रीस करने लगी हूँ। तो अब मैं जो है यहाँ पे अपने बर्तन को जो है ऑयल लगाने लगी हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी और मैं हाथों की मदद से ना इसे अच्छे तरीके से जो है के कॉर्नर्स के ऊपर लगा लूँगी, ठीक है। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से लगा लें, मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं ब्रश से नहीं, मैं बल्कि हाथों से लगाऊंगी। वैसे भी हाथों से काम करना वैसे भी सुन्नत है, ठीक है। तो आप अपने हाथों से ज़्यादातर काम किया करें, ठीक है। अगर चीज़ अवेलेबल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब जो है इसके अंदर हम बटर पेपर रखेंगे, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास बटर पेपर भी नहीं है तो क्या करें, लेकिन केक तो बनाना है हमने। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने बेटे की ही कॉपी का कुछ पेज है वो मैंने इसे गुलाई में कट करके मैंने उसको जो है ऐसे रख लिया। अब इसके ऊपर भी मैं क्या करूँगी, मैं ऑयल लगाऊँगी, ठीक। अच्छे तरीके से ऑयल लगाते हैं, यहाँ पे जो है ऑयल लगा लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। अरे जी, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये एक टीस्पून है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ और इसे अच्छे से जो है मैं, क्योंकि हमारा जो है बटर बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे कट करना है, ठीक है। ऐसे फोल्ड और ऐसे कट, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से जो है हमारा मिक्सर जो है बैटर होता है, ठीक है। वो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी से हम जो है वो डालेंगे अपने देचकी में और फिर इसको जो है वो जो है डाल दिए देचकी में, ठीक है। अब इसे जो है दो तीन दफ़ा टैप करके इसके अंदर जो बबल्स हैं वो निकल जाए, ठीक है। ये देखिए हमारा तवा जो है वो प्री हीट हो गया, ठीक है। अब हम जो है अपनी देचकी इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, और साथ में जो है इसे बंद कर देंगे, ठीक है। और ये जो इसकी लिड है ना, इसको मैं कवर करूँगी विद टिश्यू पेपर। देखिए मैं इसकी लिड जो है वो इससे जो टिश्यू पेपर से कवर कर रही हूँ, ठीक है। और अब हमने इसको जो है वो पकाना है तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, ठीक है, इसे पकने दें। और इसका जो फ्लेम है वो हमने कर दी है फिलहाल मीडियम की है, ठीक है। मैंने इसका फ्लेम और बाद में मैं इसका जो फ्लेम है बिल्कुल लो थोड़ा सा कर दूँगी, ठीक है। 30 से 40 मिनट इसको पकने दें, इसको 30 से 40 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। 40 मिनट हो गए, ठीक है। 40 मिनट के बाद जो है मैं ढक्कन उठा कर इसे चेक करती हूँ कि हमारा केक कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब ये देखिए मैं नाइफ डाल रही हूँ, मेरी नाइफ बिल्कुल क्लियर आई है। अगर आपकी नाइफ जो है बिल्कुल क्लियर आती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। ये मैं आपको फिर दिखा दूँ एक दफ़ा, देखिए बिल्कुल हमारा केक जो रेडी हो गया, ठीक है। हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसके जो है वो ठंडा होने का वेट करेंगे। तक जो है केक ठंडा हो रहे हैं तो मैं जो है चॉकलेट को थोड़ा सा ग्रेट कर लेती हूँ ताकि जो केक के ऊपर डेकोरेशन वगैरह करने के लिए जो है ना ये केक ठंडा हो गया, ठीक है। इसको अब निकालते हैं, ठीक है। अब आरिज को मैंने वापस बुला लिया, तो मैंने कहा थोड़ी सी मेरी हेल्प करें आप। तो आरिज आप केक को पकड़े, जरा थोड़े से मोबाइल को, ठीक है, मोबाइल को ऐसे नीचे करें ना थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे करके आप रखेंगे और ऐसे करके आप केक को निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए आपका केक निकल गया, ठीक है। इसके ऊपर से आप ये जो है इसका ये हटा देंगे, ठीक है। और ये कितना सॉफ्ट बना है, इतना मज़े का केक बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए ये ऊपर जो डेकोरेशन है वो हम करते हैं, जरा थोड़ा सा मज़ीद इसको ना ठंडा होने देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा गर्म है, तो थोड़ा सा जो है ना इसको मज़ीद ठंडा होने देते। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये
मैंने केक ठंडा हो गया ठीक है, और मैंने इसको पलट दिया इसकी साइड। तो अब हम इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। मेरे पास जो है ये मिचल्स वालों की जो है वो चॉकलेट स्प्रेड है ठीक है, मैं ये यूज़ करूँगी। आपके पास अगर दूसरी है कोई तो आप वो कर लें ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो मैं इसके ऊपर मिचल की जो है वो चॉकलेट स्प्रेड जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ ठीक है। आरिज आप करना चाहोगी चॉकलेट ऊपर स्प्रेड करना चाहोगी? चलो मैं आपको देती हूँ, लेकिन आराम से कीजिएगा फिर। लेकिन मैं उतर दूँ? नहीं नहीं आप इधर ही हो, मैं आपके पास कर देती हूँ। मेरा बेटा जो है ना ये ऐसे बैठा हुआ है शेड के ऊपर, इसकी फरमाइश थी रही है रात के तकरीबन इस टाइम पे 12 बज रही हैं जब ये मुझे फरमाइश कर रहा है कि मामा मुझे जो है केक खाना है और वो भी चॉकलेट। तो मैंने कहा चले, मैंने रिसेंटली अभी एक ब्लॉग देखा था, मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं देखती हूँ। मैंने कहा चले वही हम ट्राई कर लेते हैं। नहीं आप ख़राब कर दोगे ना, मैं हेल्प कर। अच्छा केक है, खाकर देखेंगे कैसा होगा। हाँ अभी खाकर देखते हैं कि कैसा होता है। मेरा बेटा उसे पास करता है कि लोगों ने जो है ये लगा ली है चॉकलेट स्प्रेड। अब हम ऊपर थोड़ी सी इसकी जो है वो डेकोरेशन करने लगे हैं ठीक है। अरे ऐसे थोड़े सरकते जाए ना ऐसे करके ठीक है। तो लेट्स सी कि हम डेकोरेशन जो है वो कैसे करते हैं। कॉर्नर्स पे रखें, कॉर्नर्स पे इस क्या? हाँ बहुत अच्छी है। चलो हो गया, हो गया जी, थोड़ा सा रह गया है। अब आप अपने खाने के लिए भी जाना चाह रहे होंगे ना यकीनन। चलें ये भी रख दें यहाँ पर। अच्छा है ना, आपने खाना है, मैंने थोड़ी खाना है। ये भी रह गया एक, हम ये भी खाने के लिए नहीं बचा रहा, अगर बच जो बच ओ एक बचा, एक बच गया। चलो अब ये खा लो, ये हो गया। अब इसके ऊपर भी जो है ना ऐसे ऐसे करके इसमें दिक्कत कर दो। ऐसे छोड़े छोड़ छोड़ छोड़, अरे आप नहीं छोड़े छोड़े छोड़ छोड़ छोड़। आप मेरी ना जैसे को ना हम ऐसे करके स्प्रिंकल करेंगे। अरे इसने तो मेरी डेकोरेशन जो है ना सारी सत्यानाश मार रहा है। बस ठीक है छोड़ दे। ये लीजिए हमारा जो है वो केक फाइनली रेडी हो गया है ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत मज़े का है ना। और ये आप की अपनी उसके ऊपर है कि आप कितना इसे डेकोरेट करते हैं। हमारे पास इस टाइम पे जो चीज़ें अवेलेबल थी उसमें हमने ऐसे ही डेकोरेट की है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे जी टोटल लॉकडाउन हो रहा पड़ा है और हमारे गेट बिल्कुल सोसाइटी के बंद है, ना कोई बंदा अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो इस वजह से जो है हमारे पास जितनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं हम उसी में आपको बना कर दिखाते हैं और आपके साथ जो चीज़ें बिल्कुल रेडी हो गई है ठीक है। हमने सब कुछ कर लिया, अब मैं अपने बेटे को जो है ये टेस्ट करवाने लगी हूँ और लेट्स सी के उसका क्या रिव्यू होता है ठीक है। चले अब उठा होगी बहुत यम्मी यम्मी है। वेरी गुड, थम्स अप गुड। चलिए जी, मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल कामयाब कर दिया है। तो अब आप इधर आए, आप क्या आपने नहीं खाना? लाए भैया को दे, ये देखिए यम आज क्या। ये देखिए जी कितना नरम केक बना है ठीक है, बहुत ही माउस केक है, बहुत ज़्यादा जो है नरम केक है। इस टाइम पे रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और हम लोग जो है वो केक बना रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं ठीक है। और बेसिकली ये इसलिए था, थोड़ी सी एक्टिविटी थी, बच्चे पोते वो रहे थे, तंग पड़ रहे थे कि बस बाहर भी नहीं जा सकते, कोई एक्टिविटी भी नहीं है और वो बार बार ज़िद कर रहे थे कि भाई केक खाना है केक खाना है। तो मैंने कहा जो चीज़ें अवेलेबल है इस टाइम पर हम उसी से बनाते हैं। तो हमने कोशिश की और बहुत अच्छा केक बना है। आप भी बनाएं अपने बच्चों के साथ, स्पेशली बच्चों को इस चीज़ों में इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब बच्चे आपके साथ छोटी छोटी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो इंडिपेंडेंस फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आरिज को अपने साथ मिलाया तो उसे लगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। तो इसलिए बच्चों को लगाएं साथ ताकि आप जो है बच्चों के साथ एंजॉय करें और मैं अब केक एंजॉय करती हूँ। एक बाइट मेरे मुँह में चली गई है, यम बहुत मज़े का है, मुँह में जाते साथ ही घुल रहा है। बहुत अच्छी रेसिपी थी, थैंक यू नताशा वकास कि आप की रेसिपी। हम केक एंजॉय करते हैं ठीक है, और इस
लॉकडाउन को और मीठा बनाते हैं जाकर अपने बच्चों के साथ और मियाँ के साथ जाकर ज़रा केक को इन्जॉय करती हूँ। आप भी जाएँ जल्दी से अपनी अपनी किचन में जाएँ और जल्दी जल्दी से ये केक बनाएं अगर आपके पास बिस्किट्स मौजूद हैं तो, क्योंकि बिस्किट्स तो हर घर में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बिस्किट्स को बाहर निकालें, ग्राइंड करें और जल्दी से फटाफट बना लें। ठीक है, और अब मैं जा रही हूँ केक इंजॉय करने के लिए। आप मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। मैं फिर हाज़िर हूँगी किसी अच्छी रेसिपी के साथ, किसी अच्छे व्लॉग के साथ, किसी अच्छी एक्टिविटी के साथ आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़।